सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पेन किधर गई बच्चों? अच्छा इधर ही है, ठीक मिल गई। 2x² - 7x + 3, उसमें से हमें x की वैल्यूज निकालनी, और वो भी कैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को फॉलो करके। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को फॉलो करना मतलब कि टोटल कितने स्टेप्स है बच्चों? 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 3। स्टेप नंबर वन, बस बेटा कितना खाएगा अभी पढ़ ले, है ना, पार्ले जी खा रहा है कब से। स्टेप वन क्या कहता है? स्टेप वन ये कहता है कि डिवाइड, पूरी की पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो किससे? बाय द कोफिशेंट ऑफ x² भाई। x² का जो भी कोफिशेंट होता है उससे पूरी की पूरी इक्वेशन क्या कर देनी है? डिवाइड कर देनी है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, भाई कोफिशेंट ऑफ x जो है, क्या है कोफिशेंट ऑफ x जो है, इसको इंटू 1/2 करेंगे। इसको क्या करेंगे? इंटू 1/2। जब स्टेप वन खत्म हो जाए उसके बाद की बात है, ठीक है। स्टेप थ्री ये कहता है एड स्टेप टू का आंसर ऑन बोथ द साइड्स। कोई डाउट यहां पर? ये 3 स्टेप्स में कोई डाउट? ठीक है चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 1, 2x² - 7x + 3 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन सभी को किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 से, बिकॉज द कोफिशियंट ऑफ x² इज 2। कोफिशियंट ऑफ x² इज 2। और मेरा पहला स्टेप क्या कहता है कि भाई डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को x² के कोफिशियंट। तो मैंने 2x² डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 2। -7x डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 2। +3 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 2 = 0। उसको भी डिवाइड कर दो बाय 2। कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर, ठीक। अभी तुरंत ही क्या हो जाएगा? 2 2 कट जाएगा। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? x² - 7/2x = मैं 3/2 को वहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? -3/2। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर, ठीक। अब देखो क्या करना है, हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। स्टेप टू क्या कहता है? x के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 से। सो 7/2 × 1/2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7/2 × 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 7/4। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? ठीक है, ऐसा रफ में करना है आपको। कहाँ करना है? रफ में। जो एक्स का कोफिशियंट है 7/2, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो क्या कर देंगे? = 7/4। कोई डाउट यहाँ तक? और दोनों साइड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। तो x² - 7/2x लास्ट में क्या करना पड़ेगा? 7/4 का होल स्क्वायर। क्या करना है? 7/4 का होल स्क्वायर = वापस -3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। इतना करो जरा एक बार। चलो इतना लिख लो फटाफट। देखो अभी x² - 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर तो आपने लिख दिया। हाँ कर लो बेटा बात, हमारा वीडियो गया भाड़ में, तुम बात कर लो पहले, ठीक है? कोई बात नहीं, विल वेट। पेरेंट्स का फोन है ना, अपन क्या चीज है उसके सामने। सो पेरेंट्स को पहले बता ही देने का। जब बात करती हूँ बच्ची, हाँ नहीं, सनाया खतरनाक।
आराम से बेटा, आराम से बात करो, कोई जल्दी नहीं है। वीडियो तो गया भाड़ में। आने ने आराम से पूछ लो, खाना वाना खाया पिया सब, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। ये ऑटोमेटिक बनेगा जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखो, ये मान लो ए स्क्वायर है, तो ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 into ab करने का अपने को। 2 into क्या करना है बच्चों? ab करना है। प्लस ये जो है उसका लिख दो भाई, 7/4 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 into a into b बन गया ऑटोमेटिक। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 2 4 हो जाएगा, 7/2x आ जाएगा आंसर। तो ये सेट हो गया अपना, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, -3/2 प्लस 49/16। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर। अब इसको मैं स्टेप्स को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये कोई काम का नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, आगे से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये कौन से फॉर्मूला को, आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे लिए ए कौन है बच्चों? ए ये है और बी क्या है, ये है। सनाया कोई डाउट है इसमें? सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ सनाया, रक्षित, बराबर ना बेटा? एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सामने, 49/16 माइनस क्या है, 3/2। फटाफट इसको सॉल्व करो, 49/16 माइनस 3/2 को सॉल्व करो, चलो चलो फटाफट। तो रक्षित ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 16 और 2 का, एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा, 16 वन जा 16, तो 49 वन जा 49, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम यहाँ से स्क्वायर निकाल देते हैं, तो सामने क्या चढ़ जाएगा बेटा, छतरी चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इसको क्या कहते हैं, 25/16। कोई डाउट यहाँ तक? सो बेसिकली देखने जाए तो एक्स माइनस 7/4 को मैं इज इक्वल टू बेटा स्क्वायर रूट, मतलब कि पॉजिटिव 5 into 5 25, -5 into -5 25, सो आई कैन राइट डाउन +-5/4। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अब दो केस निकलते हैं मेरे पास, कितने केस निकलेंगे, दो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो एक प्लस वाला यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। दूसरा केस क्या निकलता है, एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट, एक्स इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, तो एक्स इक्वल टू 12/4, मतलब कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुलाबी कलर से लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 3। कोई डाउट? दूसरे में क्या आएगा, एक्स इक्वल टू -5/4 प्लस 7/3, तो एक्स इक्वल टू इधर 4 आएगा। 7 -5 करना है ना बेटा, 7 -5 क्या होता है, अपॉन आंसर क्या आएगा, सो दिस इज अ फाइनल। ये भी आंसर हो गया अपना, और ये भी क्या हो गया बच्चों अपना, आंसर मिल गया दो एक्स की वैल्यूज। क्लियर? तो यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय।